भारतीय युवा शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मिठालाल जैन ने पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को हरी झंडी दिखाकर रैली रवाना की। इस रैली का मुख्य उद्देश्य पार्टी के बढ़ते असर को प्रदेश में स्थापित करना था। अजमेर रोड के 200 फीट बाईपास से शुरू हुई रैली जयपुर के मुख्य मार्गों से होती हुई पार्टी कार्यालय पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठालाल जैन का पुरजोर स्वागत किया और आह्वान किया कि युवा वर्ग पार्टी के साथ है और ये पार्टी आगामी सरकार बनाने में अहम भागीदारी निभाएगी। श्री मिठालाल जैन के साथ पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री दिनेश काठियावाल, भारतीय युवा शक्ति पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती बेला रूंगटा के साथ कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मिठालाल जैन ने पार्टी के प्रदेश महासचिव के रूप में श्री महावीर सिंह को जिम्मेदारी सौंपी। आज का कार्यक्रम ये है कि ये जो अपना पूरा कार्यकारिणी गठन करने का जा रहे हैं और कार्यकारिणी में महासचिव बनाया उनको, महासचिव में वो पूरा अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे और महिला अध्यक्ष भी बना दिया है, महिला अध्यक्ष भी अपना अपना कार्यकारिणी में बनाएंगे पूरा और पूरा राजस्थान में घूम घूम के और सब प्रचार करेंगे। ये भारतीय युवा शक्ति पार्टी की तरफ से महिला मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। इसमें मुझे कमेटी गठित करनी है और काफ़ी महिलाओं की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम मिलकर सब एक साथ दूर करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान के प्रदेश की जनता के लिए हम सबका मानस बस इतना है कि हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं और जितने बीजेपी कांग्रेस इतने वर्षों से राज करती आई है, बट इतने वर्षों से राज करने के बावजूद आज तक जो काम होना चाहिए था वो आज तक उन्होंने नहीं किया।